नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज शाम की सच्ची खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल दबा लेना अगर आपको हर रोज सच्ची जानकारी देखनी है। तो फटाफट बहनों, पहले तो आप जान लेते हैं कि एक तो शोक समाचार आया है। यहां पर अपनी मुन्नी देवी आंगनबाड़ी सहायिका बहन थी जिनकी डेथ हो चुकी है 15 जून को, और सेना खेड़ा दोती पर हमारी बहन तैनात थी, और ये मदनापुर वगैरह ब्लॉक इनका पड़ता है, जिला शाहजहांपुर है, उत्तर प्रदेश राज्य की बहन है। जैसा कि आप यहां पर तस्वीर देख सकते हो, चैनल पर दिखा देना, ये एक फोटो आई है। इनके अलावा आपको बता दें, एक और दुखद समाचार पहुंचा है, मनोज बाला बहन ने भेजा है झांसी जनपद से। इनका भी यहां पर कहना है, यहां पर एक आंगनबाड़ी बहन है अपनी सुधा यादव, और उनकी भी डेथ हो गई है। तो यहां पर 59 वर्ष की सुधा यादव बहन थी। दो दो शोक समाचार आज ऑल इंडिया पर आए हैं, और आप सब अपनी बहन के लिए एक बार कमेंट बॉक्स में ओम शांति जरूर लिखना। इनके अलावा दोस्तों आपको बता दें, बिहार सरकार से भी एक सरकारी आदेश आप देख रहे हैं, अभी 19 तारीख को निकला हुआ है, अनुश्रवण पदाधिकारी का है, और इन्होंने सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को बिहार में भेजा है। तो बिहार की सभी आंगनबाड़ी बहनें ध्यान दें, आपके यहां सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया 2014 के अनुसार सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर सामाजिक अंकेक्षण के संबंध में लेटर जारी हुआ है। जैसा कि आपको पिछले आदेश में बताया भी था कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर दिनांक 20 जून को सामाजिक अंकेक्षण किया जाना था, लेकिन अब उसको रोक दिया गया है। दिनांक 15 जून को आपदा प्रबंधन समूह सीएमजी की बैठक कराई गई है, जिसमें राज्य में कोरोना के संक्रमण की स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों के आलोक में अगले आदेश तक, जो माह जून है यही वाला, इसमें निर्धारित सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है। तो अब 20 जून को सामाजिक अंकेक्षण वगैरह कुछ कहीं पर भी नहीं होगा बिहार में। अब चलते हैं आगे और आपको और भी दिखाते हैं, बहुत सी खबरें हैं जहां पर आप देख सकते हो। एक ये बड़ी खबर आ रही है पंजाब के लुधियाना से। तो पंजाब की बहनों का संघर्ष देख करके आप सब बहनों की आंखों में आंसू आ जाएंगे। लुधियाना में आंगनबाड़ी वर्करों ने बनाई है अपनी रणनीति। 2 जुलाई को मंत्री अरुणा चौधरी के हलके में बहनों ने रैली का अपना ऐलान किया है। ये बहनें जो आपकी स्क्रीन पर दिख रही हैं, ये कोई आज एक दिन की इनकी मेहनत नहीं है। मार्च महीने से हमारी बहनें लगातार प्रयास कर रही हैं, घर से बाहर हैं, धरने पर हैं, लेकिन पंजाब सरकार इनकी ओर ध्यान नहीं दे रही है। जैसा कि आप देख सकते हो, इनका कहना है यहां पर, आप देख सकते हो यहां पर हरजीत कौर बहन भी यहां पर शामिल हुई थी। अगले संघर्ष की रूपरेखा भी यहां तैयार हो गई है, और भी तेज जो है संघर्ष किया जाएगा। सुनवाई वहां पर बहनों की क्योंकि हो नहीं रही है, आंगनबाड़ी वर्कर्स के मार्च जो है मास से लगातार जो है दो धरने जारी हैं। पंजाब में दो दो धरने हो रहे हैं आंगनबाड़ी बहनों के, वो भी मार्च महीने से। मार्च, अप्रैल, मई, जून, इतने महीने बीत गए हैं, सरकार ने इनकी ओर अपना ध्यान आकर्षित नहीं किया। देखिएगा, 17 मार्च से शिक्षा मंत्री के कार्यालय के बाहर, और दूसरा दीनानगर में अप्रैल माह से धरना लगाया जा रहा है, जिससे अब तक नजरअंदाजी किया जा रहा है। 24 जून को शिक्षा मंत्री के क्षेत्र में लगाए जा रहे धरने को 100 दिन दोस्तों पूरे हो जाएंगे, अभी भी सरकार इनकी ओर ध्यान नहीं दे रही है, जिसके चलते वर्कर ने उन्हें चश्मा देने की बात कही है। और दीनानगर में विभागीय मंत्री अरुणा चौधरी के क्षेत्र में 2 जुलाई को बड़े स्तर पर रैली किए जाने की बात भी बहनों ने वहां पर की है मीटिंग में। इनके अलावा आपको बता दें, हरजीत कौर बहन ने और क्या कहा है, उनकी 2 मुख्य मांगे हैं, जिसमें से पहली मांग है कि 3 से 6 साल तक के जो बच्चे हैं उनको आंगनबाड़ी सेंटर से प्री प्राइमरी स्कूलों में जो शिफ्ट किया गया है, बच्चों की वह रौनक जो है सेंटर में दोबारा लौटाई जाए। वहीं वर्कर और हेल्पर का 3 महीने का रुका हुआ जो मानदेय है वो भी तुरंत जारी किया जाए। केंद्र सरकार की ओर से बढ़ाए गए जो मान भत्ते हैं उनमें की गई जो कटौती है, 600 रुपया वर्कर और 300 रुपया हेल्पर, उसको भी शीघ्र अतिशीघ्र जारी कर दिया जाए। पिछले 4 सालों से वर्कर हेल्पर के खाली जो स्थान पड़े हुए हैं, यानी पद खाली पड़े हैं, उन पर भी भर्तियां पंजाब में कराई जाए, ऐसी मांग की गई है। अभी दोस्तों आगे चलते हैं, और भी आपको बताना, एक मैसेज ये आया था, मंजू सिंह बहन ने मुझे भेजा हुआ है, पोस्टर ट्रैकर में इनको भी वही सेम समस्या आ रही है जैसा कि मैंने आज आपको दिखाया भी था। एक मैसेज आया था ऑल इंडिया पर, बहन ने भेजा था कि जो है पोस्टर ट्रैकर ऐप में जो 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे हैं वो जिस कैटेगरी में फीड है वो बिना जो है बदले अपने आप जो है 3 से 6 साल वाली कैटेगरी में पहुंच गए हैं, और वो भी अभी तक उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो स्वतः ही 18 हो गया, जबकि बच्चे उनके जो है यहां पर अभी डेट ऑफ बर्थ उतनी पूरी नहीं कर पाए। तो ऐसी एक दिक्कत है पोस्टर ट्रैकर पर। देखो, नया नया एप्लीकेशन है, मेंटेनेंस करने में विभाग को दिक्कतें जरूर आएंगी, ये दिक्कतें बनी रहेंगी, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, आपने फीडिंग कर दी। अब जो हो रहा है वो ऊपर से ही हो रहा है और हर जगह हो रहा है, तो आप लोगों को दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। यहां पर एक बहन ने और कहा, उनके सामने भी यही समस्या है,
अब दोस्तों आगे आपको बता दें, बबीता बहन है मुरादाबाद से, उन्होंने बक्सा भेजा है। ये प्री स्कूल वाली किट है इसमें, और ये काफी जगह बहनों को दी जा रही है। काफी बहनों को बक्सा मिल रहा है, किसी को बक्सा नहीं मिल रहा, केवल ताला मिल रहा है। किसी को ताला और जो है नहीं मिल, मतलब सब पूरा पूरा मिल रहा है, कहीं पर ना ताला मिल रहा है ना बक्सा मिल रहा है, केवल और केवल सामान मिल रहा है। अब आगे दोस्तों चलते हैं और आपको बता दें उत्तर प्रदेश के कौन कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर आज की डेट में भर्तियां चल रही है, आप आवेदन कर सकते हैं। बागपत जिला, बलिया जिला, बांदा जिला, बाराबंकी जिला, चंदौली जिला, गाजीपुर जिला, गोंडा जिला, हमीरपुर जिला, हापुड़ जिला, जौनपुर जिला, इतने हो गए। अब आगे चलते और बताते कौन कौन से हैं। अभी आगे और हैं जिनमें आपका कानपुर नगर है, ललितपुर है, और लखनऊ है, महोबा है, मुरादाबाद है, प्रतापगढ़ है, रामपुर है, सहारनपुर है, संभल है, और आपका वाराणसी भी है। तो इतने जिलों में आंगनबाड़ी की भर्तियां उत्तर प्रदेश में आज की डेट में चल रही हैं। अब कल मान लीजिएगा या परसों या नरसों, जैसे जैसे डिले बढ़ते जाते हैं, भर्तियां निकलती जाती हैं, हम चैनल में खबरों में आपको दिखाते जाते हैं। अब दोस्तों आगे चलते और आपको बताते हैं प्रयागराज से, उत्तर प्रदेश में जिला कार्यक्रम अधिकारी ने लेटर निकाला है 18 जून को, और यहां पर उन्होंने क्या कहा जरा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। इनका कहना है कि 18 जून 2021 में दिए गए निर्देश के क्रम में माह जुलाई 2021 में प्रस्तावित विशेष संचारी रोग नियंत्रण और दस्तक अभियान, संचारी रोगों एवं दिमागी बुखार पर प्रभावी नियंत्रण के लिए माह जुलाई के अभियान में आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती प्रत्येक मकान के 6 रोग से संभावित रोगियों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगी, और 6 रोगियों के लक्षण वाले किसी भी व्यक्ति की सूचना प्राप्त करके और व्यक्ति का नाम, पता, मोबाइल नंबर सहित सूचना अपने रिपोर्ट में भेज लेकर के एनएम को जो है देंगी, और एनएम मुख्यालय ब्लॉक मुख्यालय पर भेजेंगी। देखो इसके बारे में निदेशालय से जो लेटर आया था वो भाइयों बहनों में 2-3 दिन पहले ही दिखा चुका हूं, क्योंकि ऑल इंडिया समय समय पर सारी खबरें आपको समय पर भेज देता है। अब इसमें लिखा है बुखार के रोगियों की सूची बनानी है, ILI यानी इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस रोगियों की सूची बनानी है, 6 रोग के लक्षण युक्त व्यक्तियों की संख्या जो उनकी सॉरी सूची बनानी है, कुपोषित बच्चों की सूची बनानी है। ये सब काम आंगनबाड़ी बहनों आपको पूरे उत्तर प्रदेश में करने हैं, प्रयागराज ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में। अब इनके अलावा आगे आपको बता दें एक मैसेज और आया है, इनका कहना है सुधांशु भैया मैं रोज आपका वीडियो देखती हूं और रोज ही ये सूचना जो है सोचती हूं कि शायद आज ये खबर मिले कि हम लोगों का प्रमोशन होने वाला है, परंतु रोज जो है निराशा ही हाथ लगती है। सरकार ने आंगनबाड़ी की वैकेंसी निकाली है, सरकार को पहले प्रमोशन करना चाहिए था ताकि जो आंगनबाड़ी की जगह खाली होती है उनमें भी साथ में भर्ती हो जाती। पता नहीं हमारी सरकार क्या चाहती है। संतोष पांडे बहन बाराबंकी से, आपका मैसेज अच्छा है, आपने सवाल भी अच्छा किया, लेकिन अब निराशा भाई लगेगी, क्योंकि देखो हम झूठ दिखाते नहीं है। जब तक कुछ निदेशालय में होगा नहीं प्रमोशन के मैटर में, तब तक हम भाई कुछ बता नहीं सकते। हाँ आवाज जरूर आप बहनों की लगा सकते हैं, और वो मैं समय समय पर करता रहता हूं। तो अभी यहां पर एक बात मैं कहूंगा विभाग कि वो भर्ती अगर प्रमोशन करवा देता तो बहनों के पद सही बातें खाली हो जाते और फिर भर्तियां निकाली जाती तो वहां पर आसानी हो जाती। लेकिन एक बात ये भी करवा सकते हैं कि सरकार भर्तियां भी पूरी नहीं करना चाहती। सरकार वही देखो जितनी बहनों को रिटायर कर चुकी है मुश्किल से उतनी ही भर्तियां सरकार ला रही है। 53,000 भर्तियां हैं। अब आप सोचिएगा 53,000 भर्तियां और रिटायर भी बहने 50-60,000 की संख्या में हो गई है। अब आप भाई बहन जो भी है वो अंदाजा लगा सकते हो सरकार का रवैया और उनकी रणनीति क्या है। अगर वो भर्ती निकालते तो अभी भी तमाम ब्लॉकों परियोजनाओं में पद सब खाली पड़े, उन पर भर्तियां नहीं निकली हैं। बहुत से भाई बहन कहते हैं कि हमारे यहां पद खाली पड़ा है लेकिन भर्ती नहीं आई, भर्ती सो नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि रिक्त पदों के विवरण में भेजा नहीं गया और एक ही बार में सभी पद जो है भरे नहीं जा सकते। तो यहां पर कोई कहीं कहीं के पद भरे गए हैं जो शायद बहुत पहले से खाली पड़े होंगे, अन्यथा पद नहीं भरे गए हैं। जिनसे काम चल सकता है बस उन्हीं से काम सरकार चला रही है, आगे पद खाली वाले नहीं भरे जा रहे हैं। वरना काफी जगह जो है जनसंख्या ज्यादा है, आंगनबाड़ी की नियुक्ति वहां पर होनी चाहिए लेकिन पद पर नियुक्ति नहीं निकली है, जिसका मतलब यही है कि जो विवरण है वो भर करके कम ही गया है, क्योंकि पूरे पूरे जो 100% भर्ती भी सरकार एक ही बार में नहीं करेगी। अब आगे बता दें सैम एवं मैम की पहचान के लिए लंबाई, वर्ष जो है 2 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनका वजन तालिका। बहुत सी बहनों को दिक्कत हो जाती है इसको पहचान करने में, हम आपको बताते हैं। लड़कियों के लिए वजन किलोग्राम में दर लिखा है, लड़कों के लिए वजन किलोग्राम में दर लिखा है। लड़कियों में लिखा है सैम वाली अगर नीचे दिए वजन से कम है तो सैम में आएगा। दूसरा कॉलम है मैम, अगर वजन जो है इतनी सीमा के बीच में है तो वजन जो है वो मैम श्रेणी में आएगा, और सामान्य नॉर्मल अगर वजन है तो सीमा इस वाली में आएगा। तो इसमें देखिएगा, अब मान लीजिएगा कोई जो है 2 वर्ष से कम आयु का कोई बच्चा है,
कोई लड़की है 1.9 किलो से अगर उसका वजन कम है तो वो सैम्स रेडी में होगी। एक से देखो 9 और से लगा करके 2.1 तक यानी 2 किलो 100 ग्राम तक है तो वो मैम्स रेडी में आएगी। और अगर 2 किलो 100 ग्राम से 3 किलो के बीच में बच्चा है यानी लड़की है तो वो यहां पर सामान्य श्रेणी में आएगी। और इस हिसाब से उसकी जो उम्र है वजन के हिसाब से लंबाई कम से कम 45 सेंटीमीटर उसकी होनी चाहिए। बस ऐसे ही आपको समझना है, सब साफ साफ लिखा है ये सैम वाला, इससे अगर कम होगा तो सैम श्रेणी में, और इससे जो है यहां पर ऐसे करके चीजें हैं। अब यहां पर लंबाई देखो, अगर 45 है तो वजन इतना होना चाहिए, अगर वजन इतना है तो लंबाई इतना होनी चाहिए। ऐसे चीजों को आप जो है रिलेट कर सकते हो। लड़कों के लिए भी सेम वही चीजें हैं, तो आज शायद आपको ये पता भी चल जाए जिन बहनों को नहीं पता होगा। अब बाकी आप देखिएगा एक मैटर और है, इसमें सब कुछ लिखा हुआ वजन के हिसाब, आप इसको देखते चले जाना। अब ये वाला है उम्र के सापेक्ष वजन, 5 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनमें अल्प वजन की पहचान के लिए है, जिनमें लड़कियों के लिए देखो वजन किलोग्राम में, लड़कों के लिए इधर लिखा है। और गंभीर अल्प वजन वाले जो हैं उनमें देखो अगर 2 किलोग्राम वगैरह से भी कम आएगा तो जो है यहां पर गंभीर अल्प वजन हो जाएगा, और अगर वो जो है 2 या 2 से 2.4 तक है तो वो फिर मध्यम अल्प वजन में आएंगे, और सामान्य में वो आएगा जो 2.4 यानी 2 किलो 400 ग्राम से लेकर के 3 किलो 200 ग्राम तक अगर कोई जो है तो वो में आएगा। तो यहां पर ऐसे करके लिखा हुआ है, और साल वगैरह भी लिखे हैं, महीना भी लिखा है। अब यहां पर देखिएगा ये यहां पर 5 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं इसमें सब शामिल हैं, तो यहां पर साल भी देखिएगा, यहां पर 0 माह लिखा है, यहां पर 1 माह का बच्चा ये उसके लिए ये हो गया। अगर कोई बच्चा 5 माह का है तो इस वाली लाइन पर आप फोकस करें, 8 माह का है तो इस वाली लाइन पर फोकस करें। अब अगर 1 साल का है तो देखो यहां पर 1 हो गया, ऐसे करके ऊपर देखिए ये साल है, ये माह चल रहे हैं, और यहां पर 1 साल, और 1 साल मान लीजिए 2 माह हो गए तो इस वाले कॉलम के अनुसार आप उसका वजन वगैरह सब होना चाहिए। ऐसे करके आप देखेंगी और समझेंगी अच्छे से, जब इसको पूरा पढ़ लेंगी कॉलम वालम तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। अब आगे चलते हैं और बताते हैं, वर्मा निषाद बहन है उन्होंने अपने वहां पर ये एक फोटो हमें भेजी है। इनके अलावा एक ये बहन है गीता पटेल, उन्होंने भी अपने वहां गोरखपुर से भी फोटो भेजी है। साथ ही साथ एक ये वंदना बहन है, उन्होंने अपने वहां से फोटो भेजा है, उल्टा उल्टा फोटो भेजी और बहुत ही छोटा लिखा हुआ, इसमें हम पढ़ ही नहीं सकते बहन आपने क्या लिख करके भेजा है। इनके अलावा आपको बता दे आशा शर्मा बहन है देवरिया से, उन्होंने भी अपने वहां से फोटो भेजा है। साथ ही बहराइच से ये प्रेमा देवी बहन है, उन्होंने वजन किया है फोटो भेजा है। और साथ ही एक मैसेज ये आया, आपकी बहन उषा देवी जिला गोंडा से, और बहन ने लिखा है कि भैया जी आपको नमस्ते, आंगनबाड़ी उषा देवी सहायक ब्लॉक वगैरह बभन ज्योत है, जिला गोंडा है, उत्तर प्रदेश से है, यहां कार्यकर्ती के पद में पद से जो है त्यागपत्र दे दिया है, उनका चार्ज मुझे मिल गई है। भैया जी गोंडा से सब जगह से कार्यकर्ती पद, मिनी आंगनबाड़ी पद, सब जो है सहायिका पद जो है वो ग्राम से निकल गई हैं, मेरे यहां से अभी तक निकला ही नहीं है। भैया जी मुझे इसके लिए कैसी जानकारी प्राप्त होगी, आप कोई सुझाव दें। तो देखो यहां पर आपके वहां रिक्त पदों का विवरण जब गया होगा तो शायद भर करके ही ना गया हो, उसके लिए भर्ती वगैरह प्रस्तावित ही ना की गई हो, क्योंकि पद अगर विवरण में खाली नहीं भर के गया होगा तो फिर भर्ती नहीं निकल रही होंगी। और अधिक जानकारी के लिए आप अपने वहां डीपीओ महोदय संपर्क करिएगा और उनको सूचित करिएगा, अगर हो सकेगा तो भर्ती होगी तो निकाल देंगे, तो अगर छूट गई होगी गलती से तो जो भी है आप भी थोड़ा प्रयास करिएगा अपने स्तर से। और हां भर्ती देखो पद तो सब जगह खाली होंगे लेकिन पूरी जगह 100% भर्तियां पदों पर नहीं हो सकती एक ही बार में, यह भी आप लोग यहां पर समझिएगा। आगे चलते हैं और भी आपको बताते हैं, यहां पर रंजना बहन है, उन्होंने अपने वहां से यह मेहता वगैरह से एक फोटो भेजी है। साथ ही एक ये हमारे पास फोटो आई है, समूह वगैरह की अध्यक्ष हैं ललिता देवी, आंगनबाड़ी माया देवी, ऐसे करके सबके नाम है, छोटा सीतापुर से बहन है, यहां पर वितरण वगैरह किया गया राशन का। एक ये फोटो आई है यहां पर रायबरेली से सुखदेवी वर्मा बहन है, उन्होंने यहां पर बच्चे का जो है लंबाई वजन वगैरह जो भी है सब किया है। इनके अलावा ये एक और जो है मैसेज आया, लेकिन यहां पर आप देखिएगा सिकटिया लिख दिया इन्होंने बस, बाकी अपना नाम वाम कुछ नहीं लिखा है। आगे से ध्यान देना, इस तरह से फोटो वगैरह मत भेजना, आज के लिए तो आ गई लेकिन आगे नहीं आ पाएंगी। तो अब हम आपको आप सबको सुबह मिलेंगे 7 बजे की खबरों में। आज शाम का वीडियो आपको कैसा लगा, अगर दोस्तों पसंद आया तो लाइक करिएगा, छोटा सा वीडियो है, बाकी भर्ती के लिए इंतजार करिएगा। कल शायद मैं किसी अन्य स्टेट में भी भर्ती की खबर सुबह ला रहा हूं, और भी बहुत सारी जानकारी है, सरकारी आदेश है, तो कल सुबह का वीडियो इंतजार में रहना। धन्यवाद दोस्तों। और हाँ बिहार से जो लेटर है रविराज भाई ने भेजे हैं, उनके अलावा भी बहुत सारे भाई हैं, उन सबने भेजे हैं। अब दोस्तों धन्यवाद आप सब।